एम आई यू आई टी आर का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है हमारे रेडमी के नोट 4 डिवाइस के लिए, जिसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, जिसका बिल्ड नंबर आपको 20.6.4 देखने को मिल जाता है, जहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको न्यू फीचर्स कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं और बेटर परफॉर्मेंस। तो बस वीडियो को फुल एंड तक वॉच करते रहें ताकि मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे सकूँ इस रोम से रिगार्डिंग कि आपको क्या कुछ है जो नया देखने को मिलता है जो कि आपके काम आ सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम एमके एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं MIUI TR के बारे में, जहां पे अबाउट की सेशन की अगर बात करें तो ऑल एस्पेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं डिवाइस के। उसका नीचे की ओर आपको देखने को मिलता है 2025.1 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, जो कि 1 मंथ ओल्ड आप कह सकते हो। यहाँ पे जो मैंने अभी अंडरग्राउंड कर्नल को चेंज किया है, बाय डिफॉल्ट आपको लीनेज OS का कर्नल देखने को मिलता है। तो दोनों का जो परफॉर्मेंस है Antutu का, वो मैं आपको जो शो करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MIUI वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन भी दिखाई देता है जो कि एंड्रॉयड 9 है। बैकअप मोवर फैक्ट्री रिसेट भी देखने को मिल जाता है। वहीं पे बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जिसका प्लस पॉइंट ये है कि ये MIUI 12 को सपोर्ट करता है, यानी फीचर्स को, जिसकी वजह से आपको 1000+ जो क्लॉक्स और थीम्स मिल जाते हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि मुझे रियली में पसंद आता है और मेरे कुछ फेवरेट है जिन्हें मैंने डाउनलोड कर रखा है और मैंने आपको पहले भी शो किया है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसके लिंक अगर पॉसिबल होते हैं तो मैं शेयर कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, बट अभी कोई भी स्टोर से शेयर करने का लिंक देखने को नहीं मिला है। नीचे की ओर आपको Flipkart डबल टैप टू बैकअप का और कवर टार्ट, यहाँ पे लॉग स्क्रीन पे जो ऑनर इन्फो है इसका भी जो टेक्स्ट है इसे अनलिमिटेड अभी तक नहीं किया गया है, जबकि यू का काफ़ी टाइम पहले भी अनलिमिटेड हो चुका है। तो यहाँ पे बस कुछ लिमिटेड टेक्स्ट ही आप डाल सकते हो, अनलिमिटेड इसे जो नहीं कर सकते, तो ये अभी तक जो इम्प्रूवड होना बाकी है। अगर आप अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले, ताकि जब मैं वीडियो दूं आपको जो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे जो वॉच करके बेनिफिट ले पाओ। वहीं पे डिस्प्ले की ओर आते हैं तो जितने भी फीचर्स है, रीडिंग मोड, कलर, एंटी फ्लिकरिंग वगैरह, सब कुछ आपको परफेक्ट वर्किंग मिल जाता है। यहाँ पे सेम वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है सेंटर क्लॉक, मिक्स क्लॉक और AOSP, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई करने के बाद काम नहीं करता है। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने एक बार डिवाइस को जो रिबूट करना होगा, तब जाके ये जो चेंजमेंट है आपके फ़ोन पे अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो अभी चेंज है, सेंटर क्लॉक है, लेकिन अभी मैं चेंज करूँ तो नहीं हो रहा है, तो बस डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट करना है, उसके बाद आपका जो स्टेटस बार का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो सिंक का नया ऑप्शन ऐड किया गया यू के अंदर और MIUI रूम के अंदर, वो अभी तक TR के अंदर देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आना चाहिए था जो कि अभी फिलहाल आपको मिसिंग मिल जाता है। यहाँ पे सेम वही नॉर्मल वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि बैटरी परसेंटेज का है, तो सही है। होम स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाता है फोल्डर के अंदर कितने आइकन शो होने चाहिए और नेम किस तरीके से शो होना चाहिए ऐप्स वगैरह का, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है होम स्क्रीन का क्लासिक और साथ साथ ऐप ड्रॉअर, जिसका UI बिल्कुल ही लेटेस्ट है, जबकि ये लेटेस्ट अपडेट ला के फिर से रिमूव कर दिया गया है यू की ओर से, ऑफिशियल अपडेट की ओर से और साथ साथ MIUI रूम की ओर से। बट TR हमें जो लेटेस्ट UI का है जो कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है। वहीं पर अगर इसके रैम मैनेजमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो कई सारे टैब मैंने यहाँ पे अभी ओपन कर रखे हैं, और यहाँ पे 1.5 GB जो फ्री मेमोरी मुझे देखने को मिल रहा है 4 GB में से, तो मैं कहूँगा भाई रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा सही है। वहीं पर जो इसका हेल्थ ऐप है इसे अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, तो आपको ओल्ड लेआउट में ही देखने को मिल जाता है। इसका जो फाइल मैनेजर है ये भी आपको ओल्ड लेआउट में ही देखने को मिलता है, क्योंकि लेटेस्ट वाला तो भाई बिल्कुल ही चेंज है। वहीं पे आप जियो से वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो, कोई इशूज नहीं आएगा, और ब्लूटूथ भी यहाँ पे आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है, तो ये मुझे प्लस पॉइंट लगा है। सिक्योरिटी ऐप की ओर आते हैं, यहाँ पे आते हैं यूटिलिटी पे, तो यहाँ पे बहुत सारे नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी तक जो रेडमी के नोट 4 डिवाइस को देखने को नहीं मिला था, जैसे गेम टर्बो, रेड इन्वॉल्व, सेकेंड स्पेस, ड्यूल, वीडियो टूल बॉक्स, MIUI वार्निंग, इमरजेंसी, फैमिली गार्ड, अर्थक्विक बूस्टर, सॉल्व प्रॉब्लम, टेस्ट नेटवर्क। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कई सारी लंबी लिस्ट निकल के आ गई है, जो कि शुरू शुरू में जो चाइना के बिल्ड में मैंने आपको शो किया था, तो नया फीचर्स आपका इनेबल हो जाता है इस TR की ओर से, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। तो बहुत सारे सेटिंग्स को आप डायरेक्टली यहां से इनेबल कर सकते हो विदाउट सेटिंग के अंदर इन किए हुए, जो कि परफेक्टली जो काम करता है। और कुछ यूजर्स का ये भी मानना होता है कि भाई ड्यूल ऐप अगर हम क्रिएट करते हैं पोर्ट रोम के अंदर तो काम नहीं करता है, या फिर जो हमारा फोन रीस्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो जियो साउंड को मैंने जो ड्यूल ऐप में क्रिएट किया है और इसे मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं, तो कोई भी मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, ये परफेक्टली जो ऑन हो रहा है।
तो ये मैं कहूँगा भाई सही है, कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो वॉलपेपर है मैंने अलग से डाला है, अगर आपको पसंद आता है तो लिंक मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम के वॉल्स के चैनल पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बारी आती है अनटूटू के स्कोर की, तो यहाँ पे जो टोटल स्कोर है ये अंडरग्राउंड किरनल के ऊपर है जो कि 98843 है, जो कि आपको बेटर बैटरी बैकअप और साथ साथ कस्टमाइजेशन सॉरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा गेमिंग के लिए। अगर आप पबजी वगैरह प्ले करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है इस अंडरग्राउंड के साथ और बैटरी का भी। लेकिन आपको सिर्फ उसी पबजी के परफॉर्मेंस से मतलब है, बैटरी का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप प्योर CAF का है जो किरनल को ट्राई कर सकते हो जो कि आपको बेटर चीज़ें प्रोवाइड करेगा। वहीं पे बाकी बात करें इसके बाय डिफॉल्ट लीनेज और इसके किरनल की अनटूटू के स्कोर की, तो वो आपको देखने को मिलता है 97719 और फर्स्ट टाइम टेस्ट करने पर 96672 मिला है। ये भी काफ़ी अच्छा ओवरऑल है, लेकिन लीनेज वॉइस पे स्टैंड बाई में बैटरी ड्रेन आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप अंडरग्राउंड का यूज़ कर लो, या फिर आपको सिर्फ सिर्फ बैटरी चाहिए तो आप है जो यहाँ पे प्योर CAF का यूज कर सकते हो। एडिशनल के अंदर आते हैं और सपोर्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ही लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है जहाँ पे तुर्की है और बाकी अदर चाइनीज वगैरह लिए गए हैं, तो बहुत ही कम लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाता है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आपको पहले से नेप बार इनेबल मिलता है, जो कि आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले को इनेबल करते ही इसे हाइड कर सकते हो। वहीं पे इसका जो रीजन हमेशा ही प्रॉब्लम करता है, तो यहाँ पे सिर्फ तुर्की और इंडिया देखने को मिलता है, बट जैसे आप इस इंडिया पे टाइप करोगे आपका डिवाइस रिबूट हो जाएगा, तो आपको बिल्ड प्रोब एडिट करना होगा और इसे फिक्स करना होगा। कैसे करना है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत टाइम पहले ही शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ पे विजिट करके देख के जो ठीक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब कुछ पहले जैसा ही देखने को मिलता है, जिसमें कोई भी चेंजमेंट और इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है। वहीं पर अगर हम सेटिंग की ओर आते हैं, डायलर की ओर आते हैं और इसके सेटिंग की ओर इन करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वही सारे ऑप्शन, और एडवांस के अंदर देखने को मिल जाता है वही सारे नॉर्मल से कस्टमाइजेशन, जहाँ पे कॉलर आईडी वगैरह भी जो दिया गया है, जो कि बहुत सारे यूजर्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि इस बिल्ड के अंदर ऐड किए गए हैं, और मुझे ये बिल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सिवाय एक चीज़ की कमी की, वो है इसका फेस अनलॉक, जिसके लिए आपको जो पैच का यूज करना होगा, अदरवाइज आपका फेस अनलॉक काम नहीं करेगा। बाकी जितने भी ओवरऑल चीज़ें फीचर्स वगैरह है काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, और बिल्ड प्रो के थ्रू तो आप जो रीजन वगैरह को फिक्स कर ही सकते हो। पहले से ये रूटेड आपको मिलता है, लेकिन नेट सेफ्टी भी आपको पास मिलता है और प्ले स्टोर भी बिल्कुल ही सर्टिफाइड मिल जाता है। अगर आपको ये रोम पसंद आया है और आप इसे यूज करना चाहते हो तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और फ्लैश कैसे करना है उससे भी रिलेटेड एक वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप फॉलो अप करके इसे फ्लैश कर पाओगे अपने रेडमी के नोट 4 डिवाइस के अंदर। तो गाइज आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप फर्स्ट टाइम विजिट कराए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और वीडियो पसंद आया तो एक थम्सअप जरूर देना, क्योंकि भाई आपका एक लाइक ही भाई हमें इंक्रेज करता है, मोटिवेट करता है एवरी रोम को टेस्ट करके आप तक पहुँचाने का। तो गाइज मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।